नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूँ राजेश शर्मा, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल राजेश गुरु जी। दोस्तों, आज की वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ जो शिक्षक पात्रता परीक्षा जो पास हो चुके हैं और वो पहले अतिथि शिक्षक रहे हैं, दोस्तों उन्होंने सरकार से मांग की है कि हमको नियमित किया जाए। वास्तव में उनका अधिकार भी बनता है, शिक्षक पात्रता परीक्षा पास हो चुके हैं, अगर वो पास भी हैं दोस्तों तो उनको सरकार को नियमित कर देना चाहिए। ये मांग उन्होंने उठाई है, आदेश में आपको बताऊंगा, लेटर आपको बताऊंगा स्क्रीन पर, आप वीडियो में अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। मेरे चैनल पर ऐसी एजुकेशनल वीडियो अपलोड होती रहती है और अतिथि शिक्षकों की वीडियो अब मैं रोज अपलोड कर रहा हूँ। दोस्तों, GFMS पोर्टल अभी भी नहीं खुला है, सामाजिक विज्ञान की फीडिंग नहीं हो पा रही, जिससे अतिथि शिक्षकों में काफी निराशा बनी हुई है। और कई अतिथि शिक्षक भाई कमेंट्स कर रहे हैं, सर आप कैसे कह सकते हैं कि ये सरकार नियमित करेगी, लेकिन भाइयों ऐसा कोई काम सब नहीं है जो हो ना सके। अतिथि शिक्षक नियमित होंगे होंगे होंगे, मैं कह रहा हूँ दोस्तों ये, और सरकार के मन में भी है कि अतिथि शिक्षकों को नियमित करेगी, लेकिन आप थोड़ा इंतजार करें, क्योंकि एक बार जब बहुत बड़ा आंदोलन अतिथि शिक्षकों का हुआ था और सरकार घबरा गई थी, जब शिक्षा मंत्री पारस जैन थे और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने उनको भेजा था, तो उन्होंने कहा था सभी अतिथि शिक्षक भाइयों में हम आपको नियमित करेंगे, 3 महीने में हम कमेटी बनाएंगे, और कमेटी बनाने के बाद रोजगार सहायक और अतिथि शिक्षकों का जिक्र उन्होंने किया था। लेकिन सरकार के मन में भी है कि अतिथि शिक्षकों को नियमित करेंगे, और कौन कौन से अतिथि शिक्षक नियमित होंगे दोस्तों ये तो नियमित होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अध्यापकों से सरकार इतनी क्यों डरती है? आज एक संकुल प्राचार्य को सस्पेंड ही कर दिया, 7वें वेतनमान के बारे में उन्होंने उन पर आरोप लगाए गए थे कि ना ये कॉल उठाते हैं और व्हाट्सएप पर ना मैसेज देखते हैं, लापरवाही करते हैं। और अतिथि शिक्षकों का GFMS पोर्टल 2 महीने से बंद है, ना किसी को सस्पेंड किया गया, ना कोई सा आदेश, ना कोई सा ऑर्डर दिया सरकार ने, और अतिथि शिक्षकों को कचड़ा क्यों समझती है सरकार? ये सरकार की सबसे बड़ी नाइंसाफी है दोस्तों। मैं राजेश शर्मा, मैं बता दूं आपको अतिथि शिक्षकों के बारे में, ये सरकार अतिथि शिक्षकों से काम तो लेती है लेकिन इनको देती कुछ नहीं है दोस्तों। मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक एकदम हताश हो चुका है दोस्तों। कहते हैं ना, जब तक बच्चे को माँ दूध नहीं पिलाती जब तक बच्चा रोता नहीं है। और ये सरकार जब तक अतिथि आंदोलन नहीं करेंगे, बड़े बड़े आंदोलन, अतिथियों में एकता नहीं होगी, तब तक ये सरकार अतिथि शिक्षकों को नियमित नहीं करेगी। सरकार भी देखना चाहती है कि अतिथि शिक्षकों में वास्तव में एकता है या नहीं है, इनकी ताकत कितनी है। और अगर पूरे अतिथि शिक्षक एकजुट हो जाए, मेरे पूरे अतिथि शिक्षक भाई, तो सरकार को 1 ही घंटे में नियमित करना पड़ेगा, क्योंकि अतिथि शिक्षकों की संख्या इतनी हो चुकी है कि वो सरकार गिरा भी सकते हैं दोस्तों। अब मैं आपको बता दूं, हर घर का जो एक व्यक्ति अतिथि शिक्षक है, 10 और उसके साथ में है, उसकी फैमिली से है, उसके परिवार से है, उसके रिश्तेदार हैं, और एक अतिथि शिक्षक 100 वोटों की पात्रता रखता है दोस्तों, 100 वोटों की। अगर हर अतिथि शिक्षक में ख्याल आ जाए कि हमको नियमित होना है, तो अतिथि शिक्षक नियमित हो जाएंगे। लेकिन बड़े बड़े जो आंदोलन हुए हैं उनमें अतिथि शिक्षक जाते नहीं हैं। अगर आपको कुछ करना है, कुछ पाना है, तो आपको कुछ मेहनत भी करनी पड़ेगी दोस्तों। बिगर मेहनत के कुछ भी इस दुनिया में संभव नहीं है। अपना अधिकार मांगना है सरकार से, तो आपको आंदोलन करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, और जगह जगह आपको जिक्र करनी पड़ेगी, तभी आपका कुछ हो पाएगा, वरना ऐसे कुछ नहीं होगा। मोबाइल और टीवी देखने से कुछ भी नहीं हो सकता दोस्तों, क्योंकि आप अतिथि शिक्षक हैं, साक्षर हैं, पढ़े लिखे हैं, और शिक्षक पात्रता परीक्षा भी हो चुके हैं दोस्तों। बहुत से ऐसे अतिथि शिक्षक हैं जिन्होंने कमेंट्स किए और उन्होंने अपने नंबर भी मुझे बताए दोस्तों, अच्छा लगा। और पूरे जो एक अध्यापक, जो अध्यापक पे होना चाहिए वो अतिथि शिक्षक, आज अतिथि शिक्षक पर इतना नॉलेज बना हुआ है, KVC दोस्तों, कौन बनेगा करोड़पति। दिल्ली पर भी हमारे अमिताभ बच्चन जी से चर्चा की, और KVC जो गेम होता है उसमें अतिथि शिक्षक भाई 50 लाख रुपये जीत कर लाया है। अगर उनके पास में, अतिथि शिक्षकों के पास में नॉलेज ना होता, तो क्या वो 50 लाख जीत कर ला सकते थे दोस्तों? आप बताइए।
आप मेरी वीडियो में कई लोग कमेंट्स करते हैं। दोस्तों, अतिथि शिक्षक तो ऐसी कमेंट्स नहीं कर सकते। सर, आप तो वीडियो बनाते रहते हैं, सर आप कुछ, आपके पास में क्या जानकारी है, आप कहाँ से? दोस्तों, एक एक जानकारी मैं इकट्ठी करता हूँ, जगह जगह जाता हूँ और आप लोगों को शेयर करता हूँ। दोस्तों, मन से मैं कुछ भी नहीं कहता, मैं भी कुछ जानकारी मेरे पास में होती है तभी मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति इतना इतना होशियार नहीं हो सकता कि वो मन से बात बताए। दोस्तों, कहीं ना कहीं से उसको ज्ञान अर्जित करना पड़ता है, अच्छे लोगों का पात्र बनना पड़ता है। दोस्तों, अच्छे लोगों की संगत करना पड़ता है तभी जाकर कुछ बातें अपन को सीखने को मिलती हैं। दोस्तों, कहते हैं ना कि अतिथि शिक्षक, अब अतिथि शिक्षक का नाम मध्य प्रदेश नहीं पूरे प्रांतों में गूंजने लगा है। दोस्तों, जगह जगह इनकी बात है, इंटरनेशनल मीडिया पर भी अतिथि शिक्षकों की जिक्र की गई है, एबीपी न्यूज पर भी कई जगह अतिथि शिक्षकों के बारे में बताया गया है। और अब अतिथि शिक्षकों के साथ में इतनी परेशानी है दोस्तों, जब से ऑनलाइन पद्धति आई है, GFMS पोर्टल हुआ है, ना तो उनको मानदेय मिलता है। अब कई ऐसे अतिथि शिक्षक हैं जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं और वहां पर जैसे न्यू टीचर अभी गया तो उसका एक साल तक नाम ही नहीं हटता पोर्टल से। दोस्तों, ये इतनी नाइंसाफी चलती है अतिथि शिक्षकों के साथ, सरकार ध्यान नहीं दे रही, इसमें गलती किसी की नहीं है। दोस्तों, वो एक कबीरदास जी का आज मुझे दोहा याद आता है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिले कोई, और जो मन खोजो आपनो तो मुझसे बुरा ना कोई। संसार में कोई व्यक्ति बुरा नहीं है, लेकिन अतिथि शिक्षक अपना अधिकार मांगना ही नहीं चाहता, कहीं जाना ही नहीं चाहता, कुछ करना ही नहीं चाहता, आंदोलन में जाना नहीं चाहता। दोस्तों, अच्छा काम करना नहीं चाहता, घर बैठे नियमित कैसे हो जाए। अब शिक्षक पात्रता परीक्षा वाले, उन्होंने एक दो दिन आंदोलन किए दोस्तों, और उनको शिक्षा मंत्री ने इतनी औलाद की कि उनको लेटर ही जारी कर दिया, उनको नियुक्ति दे दी। और अतिथि शिक्षक जब आंदोलन होता है तो 10, 20, 50, 100 इतने से ज्यादा जाते ही नहीं। दोस्तों, कहते हैं क्या है, सबका होगा तो अपना होगा। कई अतिथि शिक्षकों से मैंने बात की, भाई भोपाल में आंदोलन है चलना है, सर आप क्यों जा रहे हैं, जो सबका होगा तो अपना होगा। ये बात मन में रहती है, सबका होगा तो अपना होगा, ऐसा होता है क्या? दोस्तों, ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता। आपको अपना अधिकार मांगना है और कुछ करना है और अच्छा एक टीचर बनना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों। और आपके जरिए से अगर 10 लोगों का भला हो जाए, अगर आप सभी अतिथि शिक्षक एकजुट हो जाओ दोस्तों, मंडला और निमाड़ी, मंडला के अतिथि शिक्षक बहुत ही दोस्तों हर आंदोलनों में जाते हैं, लेकिन हमारे विदिशा जिले से तो अतिथि शिक्षकों की संख्या इतनी कम जाती है दोस्तों, बिल्कुल जागरूक ही नहीं है। कहते अतिथि शिक्षक क्या कोई नौकरी है, हैं? उसको कोई नौकरी नहीं मानते दोस्तों। लेकिन गुरुजी क्या थे, गुरुजी की कंडीशन क्या थी मध्य प्रदेश में? दोस्तों, अच्छे से नाम लिखना नहीं आता था गुरुजी को। आप भी टीचर हैं और स्कूलों में पढ़ाते हैं और वो ही गुरुजी अब अध्यापक बन चुके हैं, आपने उनके साथ में कार्य किया होगा तो वो भी आपसे पूछते हैं, सर क्या होगा सर, जबकि उनकी वेतन है 45,000 और आपकी वेतन है 6,000, मानदेय मिलता है दिन के हिसाब से 6-7 हजार। तो अब शिक्षक पात्रता परीक्षा जो अतिथि शिक्षक पास हो चुके हैं, उन्होंने मांग की है सरकार से, लेटर लिख रहे हैं और दिन ना रात एक कर रहे हैं दोस्तों, उनको नियमित होना है। जो शिक्षक पात्रता परीक्षा पास हो चुके हैं, सरकार उनको नियमित करेगी 100% दोस्तों, जरूर नियमित करेगी। और वो बिल्कुल बैठे नहीं रह रहे हैं, दिन ना रात एक कर रहे हैं जो शिक्षक पात्रता परीक्षा पास हो चुके हैं, क्योंकि उनका अब जो परीक्षा होती है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है दोस्तों, वो उन्होंने पास कर लिया है। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, मैं एक अतिथि शिक्षक से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ, एक छोटा सा यूट्यूबर हूँ, आप जैसा एक आम अतिथि शिक्षक हूँ दोस्तों, तो आप लोग मेरी सपोर्ट कीजिएगा, मेरी मदद कीजिएगा दोस्तों, और मेरा मनोबल आप बढ़ाइएगा जिससे मैं और अच्छी से अच्छी वीडियो और आप लोगों का साथ दे सकूँ दोस्तों, आपकी मदद कर सकूँ और हर एक जानकारी आपके पास ला सकूँ दोस्तों। क्या है, आजकल सही जानकारी कई लोग बताते नहीं है, टीचर भी नहीं बताते, लेकिन मेरा मतलब है जो भी मध्य प्रदेश में जगह निकले या अतिथि शिक्षकों के साथ जो अच्छा हो उसमें मैं पूर्ण सहयोग करना चाहता हूँ, ये मैंने सोचा है दोस्तों। इसलिए मैं अतिथि शिक्षकों का मुद्दा YouTube पर चला रहा हूँ दोस्तों,
और 10-20 हजार अतिथि शिक्षक मेरी वीडियो को देखते भी हैं दोस्तों। जब 10-20 हजार अतिथि शिक्षक मेरी वीडियो को देखेंगे तो वो भी 10-20 हजार लोगों को और बताएंगे, इससे जागरूकता होगी और ये वीडियो सरकार तक जाएगी दोस्तों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक जाएगी, तो अतिथि शिक्षक जरूर नियमित हो जाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। जय माता की। आपका दिन शुभ रहे दोस्तों। नमस्कार।